थैंक्स इंडिया चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। टॉप 10 बाइक यानी इंडिया में बिकने वाली सबसे ज़्यादा 10 बाइकें कौन सी हैं, आज इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, जो पहले नंबर पे बाइक है इसके बारे में लास्ट में आपको बता दूंगा। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर देना, ताकि दोस्तों इस चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो आप देख पाएँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, TVS अपाचे। 20 अक्टूबर 2020 TVS अपाचे के 40,943 यूनिट की बिक्री हुई है, जो कि दोस्तों अक्टूबर 2019 में TVS अपाचे के 34,061 यूनिट की घरेलू बाजार में बिक्री हुई थी। 20% बिक्री बढ़ी है। नंबर 9, रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350। 20 अक्टूबर 2020 रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 के 41,953 यूनिट की बिक्री हुई है। अक्टूबर 2019 रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 के 38,936 यूनिट की बिक्री हुई थी। 8% बिक्री बढ़ी है। नंबर 8, बजाज सिटी। अक्टूबर 2020 बजाज सिटी के 51,052 यूनिट की बिक्री हुई है। अक्टूबर 2019 बजाज सिटी के 61,483 यूनिट की बिक्री हुई थी। 17% बिक्री घटी है। नंबर 7, बजाज प्लाटिना। अक्टूबर 2020 बजाज प्लाटिना के 60,967 यूनिट की बिक्री हुई है। अक्टूबर 2019 बजाज प्लाटिना के 70,466 यूनिट को ग्राहकों ने खरीदा है। 13% घटी है बिक्री। नंबर 6, हीरो फैशन। अक्टूबर 2020 हीरो फैशन को 75,540 भारतीय ग्राहकों ने खरीदा है। अक्टूबर 2019 हीरो फैशन के 45,928 यूनिट को ग्राहकों ने खरीदा, यानी 64% बिक्री बढ़ी है। नंबर 5, हीरो ग्लैमर। अक्टूबर 2020 हीरो ग्लैमर के 78,449 यूनिट को ग्राहकों ने खरीदा। अक्टूबर 2019 हीरो ग्लैमर के भारतीय बाजार में 40,896 यूनिट को ग्राहकों ने खरीदा। 92% बिक्री बढ़ी है। नंबर 4, होंडा सीबी साइन। अक्टूबर 2020 भारतीय बाजार में होंडा की सीबी साइन के 118,547 मोटरसाइकिलों को ग्राहकों ने खरीदा है। अक्टूबर 2019 होंडा सीबी साइन के 87,743 यूनिट की बिक्री हुई। 35% बिक्री बढ़ी है। नंबर 3, बजाज पल्सर। अक्टूबर 2020 बजाज पल्सर के 138,218 मोटरसाइकिलों की भारतीय बाजार में बिक्री हुई है। अक्टूबर 2019 बजाज पल्सर के 95,509 यूनिट को ग्राहकों ने खरीदा। 45% बिक्री बढ़ी है। नंबर 2, हीरो HF डिलक्स। अक्टूबर 2020 घरेलू बाजार में हीरो HF डिलक्स के 233,061 यूनिट को ग्राहकों ने खरीदा। अक्टूबर 2019 हीरो HF डिलक्स के घरेलू बाजार में 185,751 यूनिट को भारतीय ग्राहकों ने खरीदा। 25% बिक्री बढ़ी है। अब दोस्तों बात करेंगे नंबर 1 की, हीरो स्प्लेंडर। अक्टूबर 2020 हीरो स्प्लेंडर के 315,798 मोटरसाइकिलों की भारतीय बाजार में बिक्री हुई है। अक्टूबर 2019 की अगर बात करें, हीरो स्प्लेंडर के 264,137 इकाइयों की भारतीय बाजार में बिक्री हुई, जो कि दोस्तों 20% बिक्री बढ़ी। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये दोस्तों कमेंट करके बताना। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर देना, ताकि दोस्तों इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आप देख पाएं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्ते।